प्रेरणा कथा देना दो सीख गए। एक दिन एक बादशाह ने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि अगले दिन से उसके राज्य में हर जरूरतमंद व्यक्ति की हर जरूरत पूरी की जाएगी। अगले दिन उसके राजमहल के बाहर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। लोगों की एक बहुत लंबी कतार लग रही थी। उस पंक्ति में सबसे पीछे एक फकीर खड़ा था। तभी उस फकीर के पीछे एक व्यक्ति आकर खड़ा हो गया। उस फकीर ने उस व्यक्ति को अपना स्थान दे दिया और खुद फिर सबसे पीछे खड़ा हो गया। वो दिन भर ऐसा ही करता रहा। फकीर औरों को अपने से आगे जाने देता रहा और खुद सबसे पीछे ही खड़ा रहा। उधर बादशाह का खजाना धीरे धीरे खाली हो रहा था, पर फकीर को तो मानो उसकी परवाह ही नहीं थी। लोग बादशाह की नहीं उस फकीर की प्रशंसा कर रहे थे। उस बादशाह ने अंत में उस फकीर से पूछ ही दिया, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम सुबह से ही अपने पीछे खड़े लोगों को आगे जाने दे रहे हो और खुद अभी तक सबसे पीछे खड़े हो। फकीर ने मुस्कुरा कर कहा, बादशाह सलामत, जो कुछ आप कर रहे हैं वही मैं भी कर रहा हूं। आपके पास लोगों को देने के लिए शाही खजाना है, पर मेरे पास औरों को देने के लिए मेरी बारी ही है और मैं हर बार अपनी बारी किसी और को दे देता हूं। बादशाह समझ गया कि वो कोई मामूली फकीर नहीं था। वो फकीर को सम्मानपूर्वक महल में ले गया और उनको सम्मान के साथ अपने महल में स्थान दे दिया। मित्रों, हम में से हर एक के पास औरों को देने के लिए कुछ न कुछ तो होता ही है। उदाहरण के लिए आप एक अस्पताल में चले जाइए, आपको बहुत से ऐसे मरीज मिल जाएंगे जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। आप उनके साथ बातें कर सकते हैं, उनको कुछ दे सकते हैं, उनकी लिखी चिट्ठी किसी तक पहुंचा सकते हैं। अपने आस पड़ोस में देखिएगा, आपको कोई ना कोई बुजुर्ग ऐसा मिल ही जाएगा जिसको आपकी जरूरत होगी। आप उसके लिए बाजार से कुछ ला सकते हैं, कुछ समय उससे बातें कर सकते हैं। अपने आसपास देखिए तो सही। जीवन के एक पड़ाव तक आप वस्तुएं प्राप्त करके खुश होते हैं, पर एक पड़ाव ऐसा भी आता है जब आप किसी को कुछ देकर खुश होते हैं। किसी को देने के लिए आपका बादशाह होना जरूरी नहीं है। आप फकीर होते हुए भी औरों को बहुत कुछ दे सकते हैं। आप किसी अनाथ बच्चे को मुस्कान दे सकते हैं, किसी बुजुर्ग के छोटे मोटे काम कर सकते हैं, अपने घर में अन्य सदस्यों की कुछ न कुछ मदद कर सकते हैं, किसी कमजोर का सहारा बन सकते हैं, किसी निराश व्यक्ति का उत्साह बढ़ा सकते हैं। आपके पास तो देने के लिए भंडार है। आप फकीरी में भी देते रह सकते हैं। बस देने की आदत डालिए तो सही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।